नमस्कार, आदाब, सलाम। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीति के बारे में। एक्चुअली प्रीति के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे उनके घर में होने वाले चर्चों के बारे में। YouTube पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि प्रीति के घर में होने वाली है किसी की शादी, तो आखिरकार किसकी शादी होने वाली है। वैसे तो इन्होंने कई दिनों से ड्रामा मचाया हुआ है, इनकी भाई की शादी का कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही बात होती है ना, हल्दी ना चंदन, पता ही नहीं कहाँ से बन गया हमारा नंदू नंदन। तो वही बात इनके घर में हो रही है ना, तो लड़की है ना ही ससुराल वाले हैं ना ही कुछ है, लेकिन ये अपने भाई की शादी में पूरी जुटी हुई है। अगर होते तो ये अब तक पोल खोल चुके होते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ चल रही है शादी की बात किसकी, जी हाँ, YouTube पर चर्चा हो रही है कि इनके हस्बैंड यानी कि अंकुश जी करने वाले हैं दूसरी शादी। कोई कह रहा है उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, कोई कुछ कोई कुछ। तो आइए इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं कि क्या सच में उनकी शादी होने वाली है या फिर ये सिर्फ एक ड्रामा है। तो चलिए बताते हैं क्या है हकीकत। दरअसल ये चल रहा है एक ड्रामा, सिर्फ और सिर्फ कोरा ड्रामा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब प्रीति और उनका अब तक तलाक नहीं हुआ तो किस तरीके से वो शादी कर सकते हैं दूसरी। हिंदू सभ्यताओं में ये सब मानना नहीं जाता है, हालाँकि अरमान मलिक एक एक्सेप्शनल केस है, बट उन्होंने भी मुस्लिम धर्म अपनाकर दूसरी शादी की हुई है, तो वो भी इस चीज़ में नहीं आते हैं, और इसलिए उन्होंने नाम वगैरह भी अपना चेंज किया था। वैसे उनका नाम रियल संदीप है, तो उनको अलग रखते हैं इस वीडियो से, बट यहाँ करते हैं कि दूसरी शादी ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो करने वाले हैं या कुछ भी है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। कुछ जो होते हैं उनके फॉलोवर्स होते हैं, वो इन चीज़ को इस तरीके के कमेंट्स कर देते हैं कहीं पे, और लोग उनको उठाकर वीडियोस बना देते हैं, इधर उधर चर्चा करते हैं। एक देखता है वो 10 जगह बताता है कि भाई वो दूसरी शादी करने वाला है, तो ऐसी ही चर्चा यहाँ पर हो रही है, और इन्हीं चर्चाओं के बाज़ार है जो वो गर्म है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि दूसरी शादी होने वाली है इनके घर में, किसी की भी अभी तो शादी नहीं होने वाली है। हालांकि इनका जो भाई है वो शादी के लायक हो चुका है और शायद उससे भी बड़ा हो चुका है, बट उसकी भी शादी के अभी कोई चांसेस नहीं है। अच्छा, मैंने कहीं कमेंट पढ़े थे कि यार मतलब दो दो बहन घर में बैठी हुई है, तो फिर ऐसे लड़के से शादी कौन करेगा। तो खैर, बहर घर में बैठे या बाहर बैठे, उसमें लड़की की कोई गलती नहीं होती है, बट इनकी फैमिली अभी इतनी ज़्यादा चर्चाओं में यूट्यूब पर आ चुकी है कि थोड़ी तो दिक्कत आती है। देखिए, जब कोई बदनाम होता है या किसी का नाम होता है शादी जैसे मैटर में, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर किसी का नाम होगा तो लोग उनके यहाँ भाग के जाएंगे, और कोई बदनाम होगा तो उनके यहाँ भाग कर नहीं जाएंगे, उनके यहाँ भागने वाले दूसरे होंगे, उनके यहाँ से भाग जाएंगे। तो ऐसे कुछ होती है हकीकतें, ऐसा ही कुछ है। और इनका जो भाई है वो यूट्यूब से, अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा कमा रहा है, भाई से ज़्यादा दोनों बहनों की इनकम है, और बहनों की इनकम से ही इनका घर चल रहा है, भाई ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं करता, ये सब पर्सनली न्यूज़ हैं ऐसा कहा जाता है। और इनके घर में जिसकी चलती है ना, वो माँ है ना वो भाई है, बड़े वाली बहन की चलती है, तो शादी का जो भी डिसीज़न होगा बड़े वाली बहन के हाथ में होगा। तो अभी तो शादी का कुछ मैटर नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर बता दूं कि जल्द ही शादी वाला कंटेंट भी शुरू होने वाला है। और अभी जो सभी यूट्यूबर का चल रहा है पति से झगड़ा, ये झगड़ा, वो झगड़ा, तो वो कंटेंट काफ़ी टाइम तक नहीं चलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि ये लोग रिएक्शंस वालों से बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, इनको किसी को कॉपीराइट देते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी प्रॉब्लम के बाद भी, इतने लोगों के उसके बाद भी ये नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो रिएक्शन चैनल होते हैं जो इनके खिलाफ या इनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, वो इनके पास व्यूवर्स को भेजते हैं, व्यूवर्स इनकी बातों से परेशान होकर इनको देखना बंद कर देते हैं। और जब जो दूसरे लोग होते हैं जो इनके लिए रिएक्शन देते हैं, जब उनकी वीडियोस देखते हैं, उन पर चटपटे टाइटल और थंबनेल देखते हैं, तो लोग उन्हें देखते हैं, उसके बाद उनका इंटरेस्ट जगता है और फिर इनके यहाँ पर जाते हैं देखने के लिए। तो ये सभी यूट्यूबर्स की बात है। तो वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चटपटी न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।